सीआईए वन करनाल में वीरेंद्र सैनी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला करनाल द्वारा प्रेस वार्ता संबोधित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि सेक्टर 9 में लूट की वारदात के मुख्य आरोपी व उनके साथी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। वे उनसे लूटपाट की वारदात में चोरी किया गया भारी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषण व कैश बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा पिछले दिनों सेक्टर 9 में राहुल हुंडई के निवास पर हुए लूटपाट की वारदात में जो उनका नौकर सुरेंद्र था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे की कब्जे से बड़ी मात्रा में सोने चांदी व आभूषण, 5 लाख के वन कैश, मोबाइल व अन्य कीमती सामान, डायमंड, डॉलर बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि करनाल पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने घर में नौकर, ड्राइवर व अन्य कर्मचारी रखते समय पुलिस को जानकारी अवश्य दे, ताकि ऐसी लूटपाट व चोरी की घटनाओं से बचा जा सके। अभी हमारे साथ मौजूद है डीएसपी वीरेंद्र सिंह। सर, इतनी बड़ी आपने गिरफ्तार किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वारदात है, लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच की इसमें रिकवरी हुई है, तो मैं करनाल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। तो क्या कुछ बरामद किया आपने? अभी तक इस केस में जो पहले तो मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, उनसे लगभग 1 किलो के लगभग सोने और हीरे के जवाहरात मिले थे, 1 कट्टा, 6 लाख रुपए कैश और 1 वारदात में प्रयोग की गई I-20 कार। पूरी की पूरी रिकवरी हो चुकी है? पूरी 100% रिकवरी हो चुकी है। जो अब तो मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, उनसे हमने 1 किलो 185 ग्राम के सोने और हीरे के जवाहरात और लगभग 2 किलोग्राम चांदी, 1 मोबाइल फोन और 5 लाख रुपये कैश। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? इनको अब हमारा केस हो चुका है, जल्द सारी रिकवरी हो चुकी है, जल्दी जल्दी इनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में ली जाएगी।